गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग, पहचाना? अब देखिए, आज का जो वीडियो शुरू हुआ है करीब 10 मिनट लेट, तो इसमें क्या था कि अभी लिंक नहीं था जिसके कारण हो गया, तो वेरी सॉरी फॉर बियरिंग विथ यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अब देखिए, आप लोग जो है सो बहुत सीरियस बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और इस कंपटीशन में कोई कुछ भी पढ़ा दे उसका कोई मीनिंग नहीं है तब तक जब तक कि आपसे सवाल बनना शुरू नहीं होता है। क्या बोला? जब तक कि आपसे सवाल बनना शुरू नहीं होता है तब तक नो बेनिफिट, नो बेनिफिट। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप सवाल बनाना शुरू करो। तो आज का जो क्लासेस होगा उसमें केवल हम आपको टेक्निक देंगे, कंसेप्ट देंगे कि किस चीज को यूज करने से सवाल बनता है, और आप ठीक उन्हीं बातों का यूज करोगे जो हम आपको बतला रहे हैं। और आप जब 50 सवाल दोगे, 100 सवाल दोगे, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, और वो हम लोग पिकअप करके आपके सारे सवालों का आंसर देंगे, और उन्हीं लेवल पर एक लाइन का आंसर दूंगा। ये मेरा वादा है, एक लाइन का आंसर दूंगा, उसमें सब कुछ होगा, शॉर्टकट होगा, ट्रिक होगा, सब कुछ होगा जो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट बतलाया जा रहा है उसको समझने का कोशिश करें। इससे पहले मैंने आपको दो बातें बतलाया, रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। क्या बोला मैंने? रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ये बातों को मैंने कैसे यूज किया, व्हेन टू वेक्टर्स आर अलोंग सेम लाइन एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑन डिफरेंट लाइन, ये मैंने आपको समझा दिया। मैन एंड रेन प्रॉब्लम भी आपको समझा दिया, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम मैंने बोला कि बाद में बतलाऊंगा। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बतलाया, जैसे फॉर्मूला था भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने ये बतलाया इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करने का तरीका बतलाया था कि ऑलवेज यूज ऑल दीज फॉर्मूला लाइक वेक्टर। तो पिछला क्लास था हाउ टू यूज ऑल दीज फॉर्मूलाज एज वेक्टर, उसके ऊपर था, जो आपको समझ में शायद आ चुका है और इन्हीं समझ को यूज करना है सवाल बनाते वक्त। आज हम आपको जो बतलाने जा रहे हैं वो क्या है, रिलेटिव मोशन के ऊपर बतलाने जा रहे हैं। किसके ऊपर बतलाने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बतलाएंगे। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको बतलाने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपको समझ लेना है, समझना जरूरी है। तो अब देखिए, दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको बतलाता हूं। अगर किसी चीज को हम हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो इस तरह के सवाल को हमने बना लिया था। अगर किसी चीज को हम वर्टिकली फेंकते हैं तब इस तरह के सवाल को, ये सीधा ऊपर गया था और नीचे आया था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u by g, मैक्सिमम हाइट कितना था? u स्क्वायर by 2g। इस तरह के सवाल को हमने बना लिया था। अब हम कहते हैं कि एक पत्थर को ना तो हम इधर फेंक रहे हैं ना तो हम इधर फेंक रहे हैं, हम बीच में फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। अब इस तरह के सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे, आज मैं इन चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, और ये y एक्सिस जो है अंडर ग्रेविटी, किसके अंडर में है? ग्रेविटी। जैसे किसी चीज को ऊपर फेंका तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर था? नीचे की ओर। तो अगर ये y एक्सिस है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की ओर है, और
और अब एक पत्थर को ना तो हम इस लाइन पर फेंक रहे हैं ना तो इस लाइन पर फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग द स्टोन विथ वेलोसिटी यू एट एंगल थीटा। और इसकी जो चर्चा करेंगे वही जो होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस सवाल को हम बनाएंगे कैसा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इन सवालों को बनाने के लिए एक वर्ड याद रखिए कि हमने कहा था यूज एवरी फॉर्मूला एज वेक्टर, तो यहां पर भी आपको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर। अब देखिए अगर कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस में है तो इसको नो नीड टू रिजॉल्व, नो नीड टू रिजॉल्व। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस में है तो इसको भी नो नीड टू रिजॉल्व। लेकिन अगर कोई वेक्टर इसमें है तो ये क्या है, नीड टू रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि हमको वेक्टर का यूज करना है। ओके तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट बतलाते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, यानी इसको रिजॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, यू एक्स, और इसको रिजॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यू वाई। ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, तो इसका ux कितना होगा और इसका uy कितना होगा, इसका ux कितना होगा, इसका uy कितना होगा, कैन यू टेल मी ux कितना होगा। हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, तो ux कितना है, uy कितना है, तो नेचुरली ये इसको ट्रायंगल बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और ये कितना होगा, u sin थीटा। ये समझ में आया। और हमने क्या कहा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब इसको और ये आपस में इंडिपेंडेंट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज यू हैव टू ट्रीट। अब कहता है कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है और एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, व्हाट इज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये आपको देखना है। तो अब देखिए आप लोग बहुत छोटे बच्चों से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, इतना ध्यान देंगे तो सवाल बनेगा। तो a बराबर क्या लिखते हैं, डीवी बाय डीटी, a बराबर कितना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। अब इस शब्द को हम समझेंगे कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, तो हम कहेंगे वेयर देर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोला, वेयर देर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेयर देर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी,
नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यानी जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है और वहां पर मोशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म, जहां पर एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है वहां पर क्या है यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखें, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स कितना है जीरो, क्योंकि कोई चीज अगर टेबल पे रखा है तो अपने आप नहीं चलता है, तो फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो हुआ, एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो हुआ, तो इधर एक्सेलरेशन जो है जीरो है और ये क्या है यूनिफॉर्म है, क्या है यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है बात मैं जो बोल रहा हूं, इन बातों को समझ के करेंगे तो सवाल बनेगा, रटेंगे तो नहीं बनेगा, समझना जरूरी है। और अलोंग वाई एक्सिस क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो, और जब नीचे आता है तो जीरो से मैक्सिमम, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो इधर एक्सेलरेशन कितना है जी। अब देखिए ये जो है यूनिफॉर्म है और ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया, और ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा और देखिए, अगर किसी चीज को यू फेंकते हैं तो ये यू ही लौट कर आता है, अगर एक्स एक्सिस पर तो एक्स एक्सिस पर ही चलता है, लेकिन ये जो चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो कहता है इसमें इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, इसको यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, और अगर ये रेंज है तो आर बराबर कितना है, ये सब सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं रेंज, और इसको यहां से यहां तक जाने का टाइम को हम क्या बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रेंज कितना है, इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है, और आपको एक मिनट का टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव होने के लिए। अब देखिए, अभी अभी हमने क्या बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहां पर देखिए एक पत्थर को आपने किस वेलोसिटी से फेंका, यू साइन थीटा से अंडर ग्रेविटी ऐसे, और यहां पर अभी अभी एक सवाल बनाया था, एक पत्थर को जब यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये कब तक ऊपर जाता है, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए और फिर ये लौट कर आता है, तो इस सवाल को आपने कैसे बनाया था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू बाई जी एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, ये बात तो आपने ऑलरेडी कर लिया था। आर यू ओके, इन चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी यस, और अगर ओके है तो टेल मी ओके, इज इट कंफर्टेबल टू यू, समझ में आ रहा है ये बात। और आप इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं इंटेलिजेंस का। तो अब देखिए ये यू से फेंका अंडर ग्रेविटी, तो ये भी क्या है यू साइन थीटा से फेंका, किससे अंडर ग्रेविटी, किसमें अंडर ग्रेविटी। तो इस सवाल में और इस सवाल में टेक्निकली आपको कोई फर्क दिख रहा है क्या, यस या नो, आई वॉन्ट टू नो योर रिस्पॉन्स, यस या नो, डू यू फील एनी टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दिस प्रॉब्लम
और दिस प्रॉब्लम आंसर इज नो। ये यू से केवल एक ही डिफरेंस है, ये यू से फेंका जा रहा है, ये यू साइन थीटा से, इसमें भी एक्सेलरेशन जी है, इसमें भी एक्सेलरेशन, दोनों एक ही सवाल है। अगर इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g है, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जल्दी से बोलिए। तो 2u साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए जो प्रैक्टिकल क्लासरूम होता है वहाँ पर बच्चे हमको दिखते हैं, उनका जो समस्या है, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका डिफिकल्टी है, वो भी मुझे दिखता है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो कैसे करें, इज इट कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल, अगर कंफर्टेबल तो हम आगे चलते हैं। वैसे भी आप इस सवाल को देखिए, ये जब जाएगा तो कब तक जाएगा, जब तक इसके वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, या जब लौट कर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम असेंडिंग, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर 2u sin theta by g, वही चीज कर रहे हैं जो इसमें किया था। We are doing same thing. Watch it carefully and tell me. Okay? Comfortable? Very good. Very good. तो इन चीजों को आपको देखना है और वही यूज करना, वही कंफर्ट। देखिए आपको सवाल बनाना है तो जो टेक्निक बतला रहे हैं उसको समझना है, बाकी तो इतने ही आसानी से बनेंगे, उस कंफर्ट जोन को पकड़ना है। तो ये कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर फेंका नीचे, तो 2u sin थीटा by g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g। लेकिन इस केस में क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, गौर से देखिए, इस केस में u cos थीटा इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यानी हर जगह ये u cos थीटा है, u cos थीटा है, u cos थीटा है, यानी जब तक ये हवा में रहा ये यूनिफॉर्मली इस वेलोसिटी से चलता रहा। तो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट को ही रेंज बोलते हैं, बराबर कितना होगा, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा इनटू कितने समय तक ये हवा में रहा, तो टी, तो एक्स बराबर कितना हो गया, यू कॉस थीटा इनटू टू यू साइन थीटा बाय जी, और u इंटू यू कितना होता है, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, यानी x इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, इज इट कंफर्टेबल, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको कहोगे तो एक बार और बतला दूं, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर कहोगे तो एक बार और बतला दूं, चलो एक बार और बतला ही देता हूं, ध्यान से देना। थोड़ा सा साफ सुथरा करके प्रोजेक्टाइल मोशन को समझो। तो हमने ये बतलाया कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है u, तो u ऐसे जाता है, और हमने बतलाया यहां पर क्या, अगर ये u है थीटा है, तो हमने बतलाया क्या,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो यू एक्स बराबर कितना, यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर कितना, यू साइन थीटा, ए एक्स बराबर कितना, जीरो, ए वाई इज इक्वल टू कितना, जी, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसको गौर से देखो तो कितना हो गया, इसको यू यू साइन थीटा से फेंका और अंडर ग्रेविटी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin थीटा by g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g, एंड रेंज r बराबर u cos थीटा into t बराबर u cos थीटा into 2u sin थीटा by g बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इसी में और भी सवाल है, जैसे इस प्रोजेक्टाइल को फेंका और मान लो टी समय के बाद, कितने समय के बाद, टी समय के बाद इसका वेलोसिटी भी एन एंगल विथ हॉरिजेंटल कितना हो जाता है, अल्फा। लेट प्रोजेक्टाइल टाइल आफ्टर time t have velocity is equal to v after time t and angle is equal to alpha with kya x axis, with x एक्सिस, ये तो वेलोसिटी कितना हो जाता है वी, और ये एक्स एक्सिस है तो एंगल कितना हो जाता है अल्फा। तो इसको तो आपने क्या किया, यू कॉस थीटा, और ये क्या कर दिया, यू साइन थीटा। इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा, वी कॉस अल्फा, और ये कितना होगा, वी साइन अल्फा। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, भी इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको निकालना है, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो इसको रटना नहीं है, वही छोटी बातें, देखिए x एक्सिस पर, ये x एक्सिस है, तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा, ये कितना था, u cos थीटा, और t समय के बाद ये वेलोसिटी कितना हो गया, भी कॉस अल्फा, आफ्टर टाइम टी, ये कितना है, टी समय के बाद ये कितना, भी कॉस अल्फा। फिर जब वाई एक्सिस पर था, जब वाई एक्सिस पर था और टी बराबर जीरो था, तो ये वेलोसिटी कितना था, यू साइन थीटा। देखो शुरू में कितना था, यू साइन थीटा, और टी समय के बाद यही वेलोसिटी कितना हो गया, कितना हो गया, भी कॉस अल्फा। माने इंडिपेंडेंट है, एक्स अलग है वाई अलग है, इसको देखने का कोशिश करो, इसको समझने का कोशिश करो, ये बात आप लोगों को क्लियर है, पहले इसको देखो और बी रिलैक्स, क्लियर है, कंफर्टेबल है, तो आगे की बात करते हैं। पसीना आ रहा है, थोड़ा सा पंखा उंखा चला दे। करेंगे आराम से करें।
वन मोर, ये स्पेस जो है गड़बड़ है। एक बच्चे ने बोला है कि एक बार फिर बतलाने के लिए, तो मैं एक बार फिर बतलाता हूं। मैंने एक ही शब्द का यूज कर रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इंडिपेंडेंट। एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं, वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, एक पत्थर को आपने यूं फेंका, यू से किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो ये कैसे गया, इस तरह से गया। और इसका ये कंपोनेंट कितना था, यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना था, यू साइन थीटा। आपने क्या किया था, जल्दी से बोल दीजिए। एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब क्या था कि अगर एक पत्थर को आप यू साइन थीटा से फेंकते हो अंडर ग्रेविटी, ये वही हो गया अंडर ग्रेविटी। अब इसको भूल जाओ, तो कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u sin थीटा बाय जी। एंड मैक्सिमम हाइट, ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, मैक्सिमम हाइट h बराबर कितना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय कितना, 2g। ये लेकिन इसमें क्या है, u cos थीटा, और ये क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो रेंज बराबर हो गया u cos थीटा इंटू t बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसी के बाद हमने एक दूसरा सवाल बना दिया। मान लीजिए इस पत्थर को आपने फेंका और टी समय के बाद इसका वेलोसिटी भी और ये एंगल अल्फा, तो यहां पर जब आप रिजॉल्व किए तो ये वेलोसिटी एंगल, तो इसको भी रिजॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो गया, वी कॉस अल्फा, और ये कितना हो गया, भी साइन अल्फा। तो कहता है ये भी बराबर कितना है, ये सवाल है। तो हमने पहले ही बोला कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, अभी आपने सुना। तो अब जो है क्या होगा, गौर से देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो इसको फिर से अलग कर दीजिए, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। जब टाइम बराबर जीरो था तो अलॉन्ग, अब इसको वाई को नहीं देखिए, जब एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई को दिमाग से निकाल दीजिए। जब टाइम जीरो है, यहां पर टाइम जीरो, तो एक्स वेलोसिटी कितना था, यू कॉस थीटा, तो यू एक्स बराबर कितना, यू कॉस थीटा। और जब टाइम बराबर टी था, टी समय के बाद, तो ये वेलोसिटी कितना हो गया, वी कॉस अल्फा, तो वी कॉस अल्फा। यानी जीरो समय में ये था, टी समय में ये था। तो अब ये देखिए कि इस दोनों में क्या संबंध है, हाउ दीज टू वेलोसिटी आर रिलेटेड, हाउ दीज टू वेलोसिटी आर रिलेटेड। तो मैंने पहले कहा था कि भाई ये जो है ऑलवेज यू कॉस थीटा, ये जो है ऑलवेज यू कॉस थीटा, ये ऑलवेज यू कॉस थीटा। क्यों, अभी बोला था वेयर देर इज फोर्स देर इज एक्सेलरेशन, वेयर देर इज एक्सेलरेशन देर इज चेंज इन वेलोसिटी, वेयर देर इज चेंज इन वेलोसिटी देर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन नो चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, इस बात को बोला था। अब इस बात को बोलने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, नो फोर्स, एक्सेलेरेशन कितना है जीरो, तो नो एक्सेलेरेशन मतलब ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, यानी भी कॉस अल्फा, भी कॉस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन वन है। ये बात क्लियर है मेरे दोस्तों, अब तो क्लियर है। और दूसरे वाई में जब आपने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू साइन थीटा, और टी समय के बाद ये वेलोसिटी कितना हो गया, भी साइन अल्फा टी समय के बाद, और एक्सेलेरेशन किधर था, जी इधर, एक्सेलेरेशन कितना था, ए एक्स वाज जीरो, यहां पर ए वाई वाज इक्वल टू जी जो नीचे की ओर है, और ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है यूनिफॉर्म, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, भी बराबर यू प्लस एटी,
यानी भी साइन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये बात क्लियर है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। भी एक्स बराबर भी कॉस अल्फा, भी वाई इज इक्वल टू भी साइन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन दो हो गया और ये इक्वेशन वन हो गया। अब इसको हम मिटाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, ओके है। इसमें हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, इसमें हम करेंगे पहला इक्वेशन है भी कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा और दूसरा इक्वेशन है भी साइन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये इक्वेशन दो है। अब कहते हैं इक्वेशन वन को स्क्वायर कीजिए प्लस इक्वेशन टू को स्क्वायर करना, जोड़ दीजिए जो, तो ये कितना हो गया भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस भी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर यू स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये भी वन, ये भी वन, तो फॉर्मूला हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। हम एक ही शर्त का, बाकी तो जोड़ घटाओ, हम एक ही चीज का यूज कर रहे हैं, क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। इज इट कंफर्टेबल? चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे की बात करते हैं। नोट इट डाउन देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू नेक्स्ट। तो प्यारे दोस्तों इतना बात तो समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है तो रेज योर ऑब्जेक्शन, आप समझो बात को, केवल देखो मत, समझो, बी क्रिएटिव और फिर सवाल बनाओ। इसी से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इंडिपेंडेंट होता, इसी से रिलेटेड और भी कुछ बातें। हम एक ही शब्द देखिए, पूरा हम रटवा नहीं रहे आपको, हम कॉन्सेप्ट को कैसे यूज, हाउ टू मेक योर फिजिक्स इजी एंड सिंपल
इन्हीं बातों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और मैं कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं जो एरोगेंट हो। आप लोग वीडियो मार्केट में देखो और कंपेयर भी करो, ठीक है। अब देखिए, यही सवाल है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये वेलोसिटी यू, ये एंगल थीटा, तो ये ऐसे जा रहा है। तो पूछेगा व्हाट इज इक्वेशन, ये क्या है, रास्ता है, रास्ता मतलब पाथ। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ, ये जो रास्ता है उसका इक्वेशन क्या है। तो अभी अभी बोला था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पी है, लेट पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई, आफ्टर टाइम टी। और हम सब जानते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट, एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं, वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं। तो मतलब क्या हुआ, जब टाइम जीरो था तो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस कितना था, एक्स वाज जीरो, और जब टाइम टी था तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ ये, और जब ये वाई एक्सिस पर था और जब टाइम टी बराबर जीरो तो वाई वाज इक्वल टू जीरो, चूंकि ओरिजिन पर था, लेकिन जब टाइम टी हुआ तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये बात। अब ये दोनों चीज आप किस तरह से निकालोगे, कैसे अपने दिमाग को यूज करोगे, रटना अलग चीज है और दिमाग का दौड़ना अलग चीज है, कैसे करोगे, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गाइड मी, कैन यू टेल मी, सोच के बतलाओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स मेरे फ्रेंड, माई दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब देखिए, सब ब्रेन का काम है। ये जो यू एक्स है कितना है, यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितना है, जीरो। इस शब्द का मतलब क्या है, आप समझ में आ रहा है, देखिए जब इतना चीज को पकड़ेंगे तभी आपसे सवाल बनेगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म, लेकिन यहां पर क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू जी, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में अंतर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर कहीं पर मोशन यूनिफॉर्म है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और कहीं पर अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इस बात को समझिए। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, क्या आप कार में बैठे हैं और आपका कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जो हमेशा कांस्टेंट है, यानी यह यूनिफॉर्म हो गया, यानी आपका 60 किलोमीटर पर आवर चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। और आपसे पूछा कि एक घंटे में आपका कार कितना चलेगा, तो 60 किलोमीटर, दो घंटे में कितना चलेगा, तो 60 × 2, तीन घंटे में कितना चलेगा, 60 × 3, यानी जब मोशन यूनिफॉर्म है तो क्या करते हैं, सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम। ध्यान दीजिएगा, जब मोशन यूनिफॉर्म है तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम, लेकिन जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, जब मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जब मोशन के अंदर एक्सीलरेशन भी है तब क्या क्यों यूज करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात क्लियर हो रहा है, तो इस केस में x बराबर क्या लिखेंगे, सिंपली u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन वन, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन भी है तो y बराबर क्या लिखेंगे, u sin थीटा इंटू टी, s बराबर यू टी, यू के जगह u sin थीटा, s बराबर y बराबर यू टी प्लस, लेकिन ऊपर अगर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, कॉन्वेंशन भी लेना होगा, यूज एवरी इक्वेशन एज वेक्टर, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इतनी बात समझ में आया, पहले तो ये बतलाइए यस या नो, एक्स बराबर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, वाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, मोशन यूनिफॉर्म है तो सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करते हैं। इज इट कंफर्टेबल, अगर कंफर्टेबल है तो ओके बोलिए, फिर आगे की बात बतलाते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर ओके। I am waiting for your okay. कोई नहीं, okay, ठीक है। अब देखिए दोस्त, हमारे पास दो फॉर्मूला, x बराबर क्या निकाला, u cos theta into t, एंड y बराबर क्या निकाला, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला निकाला। अब इसी फॉर्मूला में देखिए तो क्या होगा, t बराबर कितना हो गया, x बाय यू कॉस थीटा, ये बात समझ में आया पहले फॉर्मूला से, और इसी t का वैल्यू जो है इसमें रख दे तो y बराबर कितना, u साइन थीटा इंटू टी के जगह x बाय क्या, u cos थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बाय कितना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो y बराबर u u कैंसिल, x tan थीटा माइनस z x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ऑफ ट्रैजेक्टरी, नोट कीजिए,
तो ये बात कंफर्टेबल है, कोई डाउट है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, कोई डिफिकल्टी है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको रिलैक्स कीजिए, समझिए। और ये समझ, इतना ही समझ लें, भारी से भारी, डिफिकल्ट से रटिएगा नरक है, समझिएगा मजा है, और बहुत आसान है, ब्यूटीफुल है, समझिए। मिटाएं इसको, खत्म करें इसको, और खत्म करने के बाद एक सवाल देंगे, उसको बनाइए। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको एक सवाल दिया था, एक टावर है जिसका हाइट 80 मीटर है और यहां से एक पत्थर को यू बराबर जीरो से ड्रॉप करते हैं, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा था, यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था, यही एक टावर है जिसका हाइट 80 मीटर है और यहां पर एक पत्थर को यू इजिकल टू 30 से हम ड्रॉप करते हैं, तो इसको धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल पूछा था। तीसरा सवाल इसी में पूछा था, एक टावर है जिसका हाइट 80 मीटर और यहां से एक पत्थर को हमने ऊपर फेंका था 30 से, तो ये ऐसे ऐसे नीचे आया था, तो इसको टाइम कितना लगा था। तो ये सब सवाल आपने बना लिया था, नहीं बना लिया था तो एक बार फिर से देखिए। लेकिन अब चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आपको समझा चुका हूं, तो अब देखिए, यही एक टावर है जिसका हाइट 80 मीटर है और यहां पर हॉरिजेंटली एक पत्थर को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, तो ये जो गिरेगा ऐसे, तो इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा और इसका ये वाला रेंज कितना होगा, दोनों सवाल है। फिर कहता है यही एक टावर है जिसका हाइट कितना है 80 मीटर और ये हॉरिजेंटल और एक पत्थर को अब U बराबर 30√2 से फेंका जाता है, किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। अब ये कैसे गिरेगा, इस तरह से, तो कहता है इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इसका ये वाला रेंज कितना होगा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, यही एक टावर है जिसका हाइट 80 मीटर है और यहां से एक पत्थर को U बराबर 30√2 से फेंका जाता है, किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। अब ये कैसे गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, तो कहते हैं इसको गिरने में कितना टाइम लगा, इसका रेंज कितना होगा। 1, 2, 3 ये पहले बतला दिया था और ये जो है प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया, किसका सवाल हो गया, प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, और कोई भी सवाल रखने, 1 सेकंड में बनेगा, कोई भी सवाल 1 सेकंड में बनेगा अगर बात समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है नाक भी कटवा लो, नहीं बनेगा, ठीक है, तो ट्राई इट। सर, तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कितना हुआ था, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, 4 सेकेंड। इसका आंसर कितना आया था,
2 सेकेंड, और इसका आंसर कितना आया था? 8 सेकेंड। कैसे बनाया था याद करो फॉर्मूला। तो 80 बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था। इसमें क्या किया था, नीचे पॉजिटिव लिया था याद रख लो, ऊपर निगेटिव लिया था सब सवाल में। यहाँ पर 80 इज इक्वल टू 30 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसको यू सॉल्व किया था। और यहाँ पर क्या किया था, 80 इज इक्वल टू -30, ऊपर निगेटिव है, इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था, इसको सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था, इसको सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था। ये हमने पिछले क्लास में आपको समझा दिया। अब यहां पर थोड़ा सा समझ का यूज करना है, इसमें थोड़ा सा समझ का यूज करना है। कौन सा समझ, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी ना तो अलोंग एक्स एक्सिस होता है ना तो अलोंग वाई एक्सिस होता है, बीच में होता है। तो बीच में होता है तो हमने वर्ड बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट रिजॉल्व इट। तो बेटा ये 30 है तो इसका ये कंपोनेंट कितना है, 0। और अगर ये 30 है तो ये कंपोनेंट यू कॉस 30, तो ये 30 हो गया। देखो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो 30 × √2 इंटू 1/√2 बराबर 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना 30, और ये कितना 30। ये बात समझ में आया, क्लियर है क्या, कंफ्यूज हो फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लो रहेंगे तो आपको बात दिमाग तक जाएगा। इज इट कंफर्टेबल, समझ में आया बात। और जब ये समझ में आ गया तो हमने फिर दूसरा शब्द भी बोला क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ये एक्स कंपो, ये वाई, ये एक्स, तो इसको भूल जाइए, केवल y को ध्यान में रखिए, ये कितना है y और ये x, तो इसको भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए। अब ये देखिए along y axis, केवल y की बात करें तो y बराबर 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज g। अब इस सवाल को देखिए और ऊपर वाले सवाल को देखिए, u 0 y 80 एंड एक्सेलरेशन, दोनों सवाल एक है या डिफरेंट है, सेम है। तो अगर इसको 4 सेकेंड लगा यही इक्वेशन, तो इसको भी क्या लगेगा, 4 सेकेंड। फिर देखिए इसमें u 30, डिस्टेंस 80, g। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, दोनों एक है या डिफरेंट, एक है, तो इसको अगर 2 सेकेंड, तो इसको भी 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए इंटेलिजेंस है, और 80 नीचे 30 ऊपर, 80 नीचे 30 ऊपर, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, एक ही तरीका है, तो दोनों सवाल आइडेंटिकल हो गया। तो इसमें अगर 8 सेकेंड, तो ये भी 8 सेकेंड। फिर कहता है इस दिशा में नो एक्सेलरेशन, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, इस दिशा में नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, इस दिशा में नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म। तो ये रेंज कितना हो गया, 30 × 4, ये रेंज कितना हो गया, 30 × 2, ये रेंज कितना हो गया, 30 × 8। अगर समझ है तो इस तरह से सवाल बनता है, तो इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद अगले क्लास में फिर आप लोगों से बात करेंगे, और अगले क्लास में बेटा अब आप प्रॉब्लम लाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।